हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। यदि इस बार सीटेट जुलाई 2024 का जो होने जा रहा है उसमें यदि आपने आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपने आवेदन 1-5 में किया है प्राथमिक के लिए, या फिर आपने 6-8 में किया है उच्च प्राथमिक के लिए, 1-5 और 6-8 में, या फिर आपने दोनों में ही आवेदन किया है, ये आपके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सी टेट में किस प्रकार से आप हाई स्कोर कर सकते हैं, 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, पढ़ने का तरीका क्या हो, किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखा जाए, उन सभी बातों का जिक्र होगा। ये सभी बातें वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके इनका यहाँ पर जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, चाहे आपने पहली बार आवेदन किया है या फिर आप एक से अधिक बार आवेदन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको लास्ट ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखने होंगे। जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आप लास्ट ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखें, वहाँ से देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने से फ़ायदा क्या होगा आपका, इससे आपको एक जानकारी होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं। 1-5 की करें तो 1-5 में आपके 5 सेक्शन इस प्रकार से होते हैं। एक तो आपका बाल विकास का सेक्शन होगा CDP का, दूसरा आपका मैथ होगा, तीसरा आपका EBS होगा, चौथा आपका हिंदी होगा अगर आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को चयन किया है, और सेकंड लैंग्वेज या तो आपके पास इंग्लिश रहेगा या फिर आपका संस्कृत रहेगा, जो मुख्य रूप से यहाँ पर स्टूडेंट चयन करते हैं। जबकि बात हम 6-8 की करें तो 6-8 में आपका एक CDP बाल विकास रहेगा, दूसरा आपका मैथ और साइंस या फिर सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दोनों में से एक अभ्यर्थी चयन करता है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मैथ और साइंस लेते हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं कला वर्ग से वो सोशल साइंस लेते हैं यहाँ पर, और एक आपका लैंग्वेज 1 वही हिंदी या इंग्लिश जो भी चयन किया आपने, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी का चयन कर लिया तो लैंग्वेज 2 या तो इंग्लिश स्टूडेंट चयन करता है या फिर संस्कृत चयन करता है। जो आपने आवेदन में चयन किया उसी प्रकार से आप पेपर में भी आपको सॉल्व करनी होती है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने आपको लिए बनाया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार से एग्जाम हॉल में लैंग्वेजों का चयन करना है, किस प्रकार से हमें कौन सी लैंग्वेज की तैयारी करनी है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम पहले CDP बाल विकास की, जो फर्स्ट सेक्शन है आपका 6-8 में भी रहता है और 1-5 में भी रहता है। बाल विकास में एक बात और, 15 मार्क्स के आपके जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो पेडागोजी रिलेटेड होंगे। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडागोजी किस प्रकार से आप बेहतरीन रूप से सॉल्व कर सकते हैं इसके रूप में भी, इसकी बात अभी हमने यहाँ पर आगे जिक्र किया है। CDP की बात करें तो बाल विकास जब आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो जो CTET के फेवरेट सिद्धांत होते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, इन पर गहनतापूर्वक अध्ययन करें, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हुए हैं इन्हीं सभी सिद्धांतों पर, जैसे स्किनर का सिद्धांत है, इनसे काफ़ी अधिक क्वेश्चन CTET के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी आपको CDP का अध्ययन करना है, लेकिन खास करके जो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इन पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। दूसरी बात हम पेडागोजी की करें, चाहे वो CDP की पेडागोजी हो या आपकी हिंदी में पेडागोजी दी हो या फिर इंग्लिश में पेडागोजी दी हो या मैथ की पेडागोजी हो, किसी की पेडागोजी हो, पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आपको जो 15 मार्क्स का प्रत्येक सेक्शन में 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, मैथ हो या फिर आपका CDP हो, उसमें आपको टैग वर्डों का प्रयोग करके पेडागोजी को बेहतरीन रूप से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो टैग वर्ड होते हैं वो एक कीवर्ड होते हैं, उनकी सहायता से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टैग वर्ड दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। इससे रिलेटेड वीडियो हमने इसका भी बना दिया है, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं टैग वर्डों का किस प्रकार से इस्तेमाल करें हम। ये बात हुई टैग वर्डों की, टैग वर्डों की सहायता से आप पेडागोजी को अच्छी तरीके से पकड़ कर सकते हैं। अभी और भी बात बताएंगे हम आपको। देखिए CTET एग्जाम जो स्टडी करने से ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। जो अदर स्टेट, जैसे अगर स्टेट की बात करें, जैसे टेट होता है उसमें आपको जितना अधिक रट्टाफिकेशन यानी जितना लर्न कर लेंगे उतना आप पेपर अच्छा कर लेंगे, लेकिन CTET का गेम थोड़ा अलग है। यहाँ कितना आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा महत्व ये देता है एग्जाम वाले दिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस प्रकार से है।
आप किस प्रकार से विचार व्यक्त करते हैं, आपके विचार किस प्रकार से हैं, वो यहाँ पर निर्भर करता है। क्योंकि आप पेडोगॉजी आपकी 15 मार्क्स की पेडोगॉजी प्रत्येक सेक्शन में आनी है। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो दो एक पॉइंट और हम बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट। जो चाइल्ड सेंटर्ड आपको अपने थॉट रखने हैं, अपने जो विचार हैं या आपकी जो थिंकिंग है, वो बालक को सेंटर में रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अध्यापक को आपको एक तानाशाह के रूप में नहीं देखना है, अध्यापक को आपको एक सुगमकर्ता, जो बालक को एक रास्ता दिखाए, उसके रूप में आपको अध्यापक को देखना है, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए उसके बाद में देखिए पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पैराग्राफ आते हैं आपके, जैसे लैंग्वेज वन की बात कर लें, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या संस्कृत हो, जो भी लैंग्वेज होगी उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। पैराग्राफ से आपको क्वेश्चनों को छांट के आंसर लिखने होते हैं। तो पैराग्राफ को हल करने का अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। उसी पैराग्राफ में जो आपकी ग्रामर जो पूछी जाती है, उसी पैराग्राफ से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपके पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन को छांट के लिखना होता है, तो पैराग्राफ को सॉल्व करने के आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लें। लास्ट ईयर के जो पेपर है वो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर को इग्नोर न करें, आप लास्ट ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं उन्हें देखें, वहाँ से आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। अगर आप 1-5 की बात करें तो 1-5 में जिन्होंने आवेदन किया है स्पेशल 1-5 के लिए, तो जो EVS है, EVS पूरा आपका NCERT आता है। आप 1-5 का EVS देख जाएं, आपको पूरा का पूरा पेपर वहीं से मिल जाएगा। तो NCERT बुक जो 1-5 है EVS के लिए, पर्यावरण वाले के सेक्शन के लिए, आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। NCERT वैसे आपके सभी सब्जेक्टों में इम्पोर्टेंट है, लेकिन EVS आपका पूरा का पूरा दिखाई देगा। मैथ भी आपका NCERT रिलेटेड आता है 1-5 में, तो अगर आप कर ले जाते हैं तो आप संपूर्ण क्वेश्चन, जो टोटल क्वेश्चन है वो आपको वहीं से दिखाई देने वाले हैं। स्पेशल अगर मैथ की बात करें, 1-5 में जो मैथ आता है वो काफ़ी आसान मैथ आता है। आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हैं मैथ में कंप्लीट रूप से। केवल लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन देख जाते हैं, उनसे ही आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सरल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मैथ में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लास्ट ईयर के ये अगर पेपर देख लिए आपने, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन 1-5 में मैथ के सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बात करें हम 6-8 में, तो 6-8 में जो मैथ है और साइंस का सेक्शन होता है वो 1-5 के रेस्पेक्ट में थोड़ा टफ होता है। यहाँ पर जो आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेंसुरेशन इत्यादि के। तो यहाँ पर जो आपको अध्ययन करना चाहिए वो 9th और 10th लेवल 6-8 की बुक का तो अध्ययन करना ही है आपको मैथ और साइंस में। 9th और 10th लेवल की जो बुक है NCERT की, उनका भी आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। मैथ के फॉर्मूले इत्यादि कर लेने याद कर लें, जैसे मेंसुरेशन के काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इत्यादि के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो NCERT बुक अगर 9th और 10th लेवल तक की पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ मैथ और साइंस के क्वेश्चन ही बना ले जाएंगे। ऐसी बात हम 6-8 की करें सोशल साइंस की, तो ये भी आपका 9th और 10th लेवल का आपको 6-8 वाला अगर एग्जाम देने जा रहे हैं जूनियर वाला, तो आपको NCERT बुक का अध्ययन कर लेना चाहिए। आपको पैडागॉजी सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड होते हैं वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उससे संबंधित जो वीडियो है उसकी लिंक अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। साथ ही आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको CTET से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, जो आपकी अधिक से अधिक हेल्प कर सकें, वो हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।